आज हमने बनाया है मज़ेदार सा चिकन और शलजम का सालन और साथ बॉयल चावल। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम अपना डिनर में आज क्या बना रहे हैं। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त और चावल। तो शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1.5 किलो मेरे पास शलजम है, जिनको मैंने धो के काट के फिर धो लिया है। और 1/2 किलो चिकन है, इनको भी मैंने साफ़ कर लिया। 1 प्याज काट लिया है, 1/2 लहसुन का पेस्ट है और साथ मैंने चावल भी घो लिए। तो सबसे पहले हम अपना चिकन बनाते हैं। प्रेशर हमने अपना रख लिया है क्योंकि शलजम आपको पता है थोड़ी देर से गलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना चिकन को प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने अपने प्रेशर में डाला। तो खाना बनाने से पहले और खाना खाने में भी और बाद में भी अपने हैंड जरूर हाथ जरूर धोइएगा अच्छी तरह साथ। तो अब हम ऑयल नहीं यूज़ करूँगी मैं, इसमें घी डालूँगी क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है ऑयल की नस्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम इसमें घी डाला है। हमारा प्याज हल्का हल्का पिंक हो रहा है, इसमें डालते हैं 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन। मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाल के ग्राइंड किया हुआ है, यानी कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट जब मैंने बनाया था तो इसमें मैंने सूखा धनिया और सूखा जो साबुत ज़ीरा होता है वो डाल लिया था। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें पानी ऐड किया। अब हम इसमें डालते हैं सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी में और 1/2 टीस्पून तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें किसी सुरक्षा अपने हिसाब से नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और साथ ही मैं इसमें 4 हरी मिर्चें कटी हुई वो डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून गोश्त का मसाला पाउडर जो मैंने इसकी रेसिपी पहले भी दी हुई है आएगा बहुत तेज़। और इसमें डालेंगे अपना चिकन धो लिया अच्छी तरह मिक्स करके। तो तकरीबन 7 मिनट तक भूनने के बाद हम इसको हमारा चिकन भूनता है, हम इसको ढाँप चढ़ा के बॉयल करने के लिए पानी चढ़ा देते हैं। चावलों के लिए पानी में चढ़ा दिया। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको बॉयल जब छोड़ देंगे जब तक के पानी को बॉयल दिया था। हमारा बहुत अच्छे से होगी, हम इसको थोड़ा और भूनेंगे। पानी ऐड करती हूँ, इसमें ऐड करा किया ताकि जो चिकन हमारा थोड़ा बहुत कच्चा है वो भी अच्छे से गल। चिकन हमारा हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह। चिकन हमने अपना निकाल दिए, अब इसी मसाले में हम अपना थोड़ा सा होगा तो हम इसमें अपना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, जो नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट कीजिए आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आगे तक जाते हैं और आप सपोर्ट का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। पानी हमारे में जोश आने वाले थे, देखिए चावल हमने अपने डाल लिए और साथ ही मैंने अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शलजम अब अच्छे आ गए तो इंशाल्लाह ये इसी पानी में गल जाएंगे। हम प्रेशर अपना बंद करते हैं। प्रेशर मैंने खोल लिया था तो अजान हो रही थी। ये देखे अच्छी शलजम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गल गए। इसको अच्छी तरह मैश करते हैं तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। तो प्रेशर चल रहा था तो बहुत आवाज़ आ रही थी तो मैंने इसे दिखाया।
चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, अब हम इसमें डालते हैं अपने, इसमें चाहे तो आप गुड़ या गुड़ डाल सकते हैं। मैंने इसमें कम हल्की सी आंच पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट। ये देखिए जी, चिकन मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया। बिस्मिल्लाह, और पिसा गरम मसाला, इसको करते हैं हम। हमारे शलजम चिकन की फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना है, और साथ वाइट चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम इसको टेस्ट भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ये वाला डिनर बना के इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।